नमः शिवाय। मार्गशीर्ष मास शनिवार पूर्णिमा तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, धन और ऐश्वर्य से युक्त, विचारशील, प्रतिभाशाली, स्मरण शक्ति वाले, दूसरे की बात समझने में कुशल, तर्क देने में निपुण, लाटरी इत्यादि में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक नेतृत्व वाले कार्यों में कुशल, संस्था के प्रमुख बनने में प्रयत्नशील, उन्नतिशील और व्यवहार कुशल होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज दिन में 12:20 तक वृष राशि में ही चलते रहेंगे। तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 2.5 दिनों तक मिथुन राशि में ही चलते रहेंगे। आज के पूरे कार्यकाल में दोपहर तक वृष राशि का प्रभाव, तत्पश्चात मिथुन राशि का प्रभाव प्रत्येक जातकों पर कायम रहेगा। आज 12:20 के बाद चंद्रमा पर शनि और सूर्य की दृष्टि कायम हो जाएगी, जिससे नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। किसी बात को प्रभावी ढंग से पेश करने की कला का विकास होगा। रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे और प्रशासनिक सहयोग कायम रहेगा। रचनात्मक क्रियाशीलता आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली होगी और कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। हालांकि विचारों के विरोधाभास का दौर चलता रहेगा और मानसिक संतुष्टि में कमी महसूस होगी, मगर मौसम से संबंधित जटिलताएँ प्रभावित कर सकती हैं। आज का दिन बहुत ही खास है, पूर्णिमा है। आज की शाम केसर मिश्रित खीर माता महालक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप सपरिवार ग्रहण करें। माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आज सुबह 9:00 से 10:30 के बीच कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, अन्यथा काम बाधित हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों के प्रयासों को बल मिलेगा, कोशिश कामयाब होगी। आर्थिक स्थिति में सहयोग और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और मित्रों का सहयोग बना रहेगा। प्रबल आत्मविश्वास व्यावसायिक योजनाओं को सफल बनाने में मदद करेंगे। साझेदारी और नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, मगर माँ के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक प्रयास सफल रहेंगे। वृष राशि के जातकों के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है, मगर आत्मविश्वास और क्रियाशीलता से चल रहे कामों में सुधार और विकास की संभावना भी बनती है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और समस्याओं का पकड़ में न आना संभावित है। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में स्थायित्व बना रहेगा और साझेदारी सफल रहेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और परिवार में हर्ष और खुशी का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा लाभ दिलाने वाली होगी और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। मिथुन राशि के जातकों के बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा, प्रतियोगी भावना विकसित होगी और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। दिनचर्या सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगी। घर गृहस्थी, संतान और स्वजनों पर निवेश की स्थिति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। हालांकि व्यावसायिक प्रेरणा जारी रहेगी। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें, खर्चों को नियंत्रित रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए हर काम करने के प्रति उत्साह बना रहेगा और कार्य क्षेत्र के विस्तार की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अतिरिक्त कार्यभार और सरकारी विभाग से सहयोग मिलता रहेगा और नई कार्य योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित होगी। निजी निवेश की योजनाओं में उठाया गया कदम सही रहेगा, मगर संतान संबंधी मामलों में मानसिक दबाव बना रहेगा और संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। परिश्रम में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। पारिवारिक तालमेल बनाए रखें, अपने खर्चों को नियंत्रित रखें और वाहन चलाने में सावधानी अपेक्षित है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र के प्रति निरंतर विकास और लाभ का संकेत मिलता है। नई कार्य योजनाओं में सहयोग और उसके प्रति होने वाले प्रयासों में अधिकारियों की प्रेरणा व शासन सत्ता का सहयोग भी शामिल रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। निजी निवेश सफल रहेगा और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी।
वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। पूरे उत्साह से प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में चली आ रही रुकावटों में कमी आएगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नई व्यावसायिक योजनाओं में रचनात्मक प्रवृत्ति बनी रहेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे और व्यावसायिक यात्रा के योग बनते हैं, मगर कुछ कामों में मन का अंतर्द्वंद निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और मौसम संबंधी सावधानी बनाए रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए हर क्षेत्र से सफलता का संकेत मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सुधार महसूस होगा। चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत देता है, सावधानी अपेक्षित है। हालांकि कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा और विकास की गति बनी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, मगर माता के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और परिश्रम सार्थक होंगे। निजी रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे और आपके चारों तरफ प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में चलना सकारात्मक प्रभाव में माना जाएगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में कमी आएगी, मगर वाणी की सौम्यता आवश्यक होगी। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विभागीय कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा और जोशीला अंदाज सफल बनाएगा। आय संबंधी मामलों में सुधार होगा और यात्रा का योग बनता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और वाहन सावधानी से चलाएं। धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। कार्य योजनाओं में आ रही रुकावटें खत्म होंगी और हर कार्य के प्रति सहयोगात्मक रवैया कायम रहेगा। सरकारी सहयोग और मन मुताबिक काम होने के संकेत मिलते हैं। हालांकि आज का दिन ऐसा है कि बहुत दिनों से सोचे हुए कार्यों के लिए आपके पास कहीं से प्रस्ताव आ सकता है। नई कार्य योजनाओं में सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नई ऊर्जा का एहसास होगा। पहले की चली आ रही दिक्कतों में सुधार होगा। प्रतियोगी भावना विकसित होगी और कार्य क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप अपने आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से निवेश करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपकी दक्षता बढ़ी रहेगी और सम्मान के पात्र बनेंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। कुंभ राशि के जातक पारिवारिक सुख संतुष्टि और सुकून महसूस करेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार, मगर निजी निवेश के प्रस्ताव सफल होंगे। मानसिक स्थिरता के साथ सरकारी कामकाज पूरे होंगे। भूमि और वाहन लेने का योग भी बनता है। नई कार्य योजनाओं में सहयोग मिलेगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक लाभ भाग्यवश अच्छा होगा, मगर सावधानी अपेक्षित है। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता संभावित है। विरोधी परास्त रहेंगे और न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामले अनुकूल रहेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए रचनात्मक प्रयासों में सुधार होगा, मगर कार्य क्षेत्र के विस्तार में मानसिक स्थिरता कायम रहेगी। हालांकि विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों का सहयोग और पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नई कार्य योजनाओं में आपके प्रयास सार्थक होंगे और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। निरंतर प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।